नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, प्रयागराज जिले के गंगा इस्पार में बहुत चर्चित ब्लॉक बहरिया में आज लगभग 10 दिनों से प्रधानों का हड़ताल चल रहा है, क्योंकि इनकी मांग है बहरिया ब्लॉक के वर्तमान खंड विकास अधिकारी का स्थानांतरण यहां से तत्काल की जाए, क्योंकि इन सभी प्रधानों का आरोप है कि जब से हमारे बहरिया ब्लॉक में मान्यवर वीडियो साहब आए हैं तब से प्रधानों की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, ना ही प्रधानों की कोई महत्वाकांक्षी समझी जा रही है, क्योंकि प्रधान अपने अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र ऐसा नागरिक होता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, चाहे लड़ाई झगड़े की बात हो या गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी घटित घटना हो। प्रधान हर वक्त जनता जनार्दन के बीच उपस्थित होता है और जनता इनसे ही अपनी मांग व अपनी ज़रूरतों को पूरी करवाती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज हम लोग तकरीबन 10 दिन से अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांग सोमवार तक नहीं हुई तो हम लोग तालाबंद जेल भरो आंदोलन भी इसी ब्लॉक परिसर में करेंगे। 10 दिनों से हम सभी प्रधान संघ के सभी पदाधिकारी व प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष राकेश कुमार पटेल, उदय राज यादव कलुआपुर, शशांक मिश्रा पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बहरिया, आशुतोष यादव प्रधान सारी पट्टी, महेंद्र कुमार सरोज प्रधान मंसूरपुर, वसीम बीडीसी बहरिया, साथ ही प्रधान संघ के महामंत्री पुरेंद्र तिवारी, प्रधान नीवी खुर्द इत्यादि प्रधान संगठन बहरिया ब्लॉक के अंतर्गत 76 प्रधान एवं 38 बीडीसी उपस्थित रहे। और इन सब की मांग यही है कि हमारे ब्लॉक के वर्तमान वीडियो यहां से तत्काल हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों का यह भी आरोप है कि हमारे ब्लॉक का जो वीडियो है वह हम सभी प्रधानों को व क्षेत्र पंचायत को अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वीडियो साहब ने सभी प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपनी जुबान से अपनी भाषा शैली का प्रयोगात्मक शब्द किए हैं। उनका वीडियो भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी शशांक मिश्रा के पास है और वह यह भी चैलेंज कर रहे हैं कि वह वीडियो हम सोशल मीडिया पर भी दिखाएंगे कि हम लोगों के साथ किस तरीके से हमारे ब्लॉक के वीडियो साहब बदजुबानी व बेहुदा व्यवहार करते हैं। यह कह पाना तब तक सत्य नहीं होगा जब तक वर्तमान खंड विकास अधिकारी बहरिया महोदय से साफ जाहिर नहीं हो जाता कि तरफा किसी के पक्ष में कह पाना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जिन तरीके से प्रधानों की एकता आज गणपति गेस्ट हाउस हाल के अंदर देखने को मिला है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका संगठन बहुत ही मजबूत व ताकतवर है। यदि इनकी मांग वास्तव में पूरी ना हुई तो बात ऊपर तक भी पहुंचेगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए ब्रिजवान सिंह यादव की खास रिपोर्टिंग, आप बने रहिए प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आपकी खबर हमारी नजर।